हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप अपने फ़ोन से किसी भी जीमेल आईडी को लॉग आउट यानी कि रिमूव करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर हमें जीमेल आईडी यानी कि ईमेल जो होता है, अगर किसी भी ईमेल आईडी को अपने फ़ोन से लॉग आउट करना रहे या किसी के फ़ोन से लॉग आउट करना रहे तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? जैसा कि दोस्तों आप यहां पर प्ले स्टोर में जीमेल आईडी जो होती हैं इन्हें अगर हमें रिमूव करना रहे अपने फ़ोन से तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि जो प्ले स्टोर पर ये जीमेल आईडी होती है इसे आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां से आपको बैक हो जाना है, और बैक होने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। और फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गूगल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कुछ एरो की टाइप में, यहाँ पर इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से जिस भी जीमेल आईडी को आपको रिमूव करना रहेगा उसे आपको क्लिक कर लेना है। मान लीजिए मुझे विकास पाल जो फर्स्ट नंबर पर देखने को मिल रही है, इसी जीमेल आईडी को रिमूव करना है यानी कि लॉगआउट करना है अपने फ़ोन से, तो इस पर मैं इस तरीके से क्लिक कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जीमेल आईडी सारी की सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से जिस भी जीमेल आईडी को आपको डिलीट करना रहेगा यानी कि रिमूव करना रहेगा, आईडी को लॉगआउट करना रहेगा, उस पर सिंपली आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चौथे नंबर वाली जीमेल आईडी को लॉगआउट करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं सिंपली इस तरीके से क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिमूव अकाउंट का, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से एक बार पूछता है कि आप अपने जीमेल आईडी को इस फ़ोन से लॉग आउट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पर रिमूव अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करके अपने जीमेल आईडी को अपने इस फ़ोन से लॉग आउट कर सकते हैं रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला तरीका। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं कि दूसरे तरीके से आप अपने अकाउंट को कैसे रिमूव कर पाओगे, यानी कि जीमेल आईडी के अकाउंट को अगर रिमूव करना चाहो दूसरे तरीके से तो किस तरीके से कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है, और जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आपके राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर एक लोगो देखने को मिल जाता है आपके जीमेल का, उसी पर आपको क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जिस भी जीमेल आईडी को लॉग आउट करना रहेगा यानी कि रिमूव करना रहेगा उस पर आपको सिंपली एक बार इस तरीके से क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था दूसरा तरीका। तो दोस्तों इन दोनों तरीकों में से आप जिस भी तरीके से आप अपने जीमेल आईडी को लॉग आउट करना चाहें यानी कि रिमूव करना चाहें बहुत ही इजीली तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको दो तरीका बताया, जो भी आपको इजी मेथड लगे उसे आप अप्लाई करके अपने जीमेल आईडी को अपने फ़ोन से लॉग आउट कर सकते हैं यानी कि रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही छोटी सी जानकारी, अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।